भिखारी के मुंह से सवाल नहीं फरियाद अच्छी लगती है, और तुम तो भिखारी से भी गई गुजरी हो। इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है जो तुम्हारी झोली में कुछ डाल सके, इसलिए ये सवाल जवाब करना बंद करो और सोच लो कि अंधेरे में डूब जाना है ये पार लगना है। पार? तो मुझे पार नहीं उतार रही हो बल्कि मेरे पूरे समय का फायदा उठा रही हो। और तुमने क्या किया था? मेरे बुरे समय में तुमने क्या किया था? मैंने हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने और तुम मुंह फेर कर चली गई थी। कितना हाथ पैर जोड़ा था मैंने, लेकिन तुमने मुंह फेर लिया था अपना। लेकिन आज कम से कम मैं तुम्हें सामने तो खड़ी हूं, तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रही। अब सोच लो, जान लो और ये मान लो कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं होटल जा रही हूं अपना सामान और अपने घर वालों को यहां लेकर आने के लिए, और तब तक तुम फैसला कर लेना प्रभा कि तुम्हें ये विधवा बहू चाहिए या अपने पति की आखिरी निशानी वो दुकान। रुको, दोनों की बहस से इतना तो साफ है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, जो अभी दुश्मनी में बदल गया है। हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। परसों पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब मैं तुम्हारी बची हुई जिंदगी इस तरह बर्बाद करूंगी ना कि तुम रोओगी और आंसू नहीं निकलेंगे।